पहले तो हम लोग अभी विरोध प्रकट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, पहले तो अभी विरोध करेंगे पूरे देश में, जब नहीं करेगा फिर उसको नेक्स्ट हम लोग डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सुनने की आदि नहीं है सच को। आप उसको सदस्यता खत्म कर दिया या क्या हुआ? ये तो जनता के साथ अन्याय है, जनता भी विरोध करेगी, इसका इंतजार कीजिए। नीतीश कुमार ने जितना काम किया है एज ए मुख्यमंत्री और जिस स्वभाव से काम किया है, एक निस्वार्थ काम किया है, वो बहुत बड़ी बात है। ये सॉल्यूशन नहीं है, चूंकि जनता ने चुन के भेजा है, उनकी आवाज जनता की बनने के लिए, रिजाइन इज नॉट अ सॉल्यूशन। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। बता दें कि जिस तरीके से सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की पहले सजा सुनाई, उसके बाद 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही 30 दिनों की मोहलत भी दी ताकि वो ऊपरी अदालत में जाकर अगर अपील दायर करना चाहते हैं तो कर ले, इसके बाद से ही देश और बिहार की सियासत तेज हो गई। लगातार जो आप कह सकते हैं कि देश में विपक्ष है वो इसको लेकर सत्याग्रह की मूड में आ गया और मार्च करने लगा। वहीं बिहार में भी राहुल गांधी के लिए कांग्रेस और जो महागठबंधन के तमाम दल हैं उनके तरफ से भी मार्च किया जा रहा है। इन सब के बीच जो आरजेडी से विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने एक बयान दिया था। उनका कहना है कि सभी लोग अपने पद से इस्तीफा देकर इस मामले की सुनवाई के लिए सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें, तभी सरकार मानेगी। जो तमाम विपक्षी दल हैं वो सभी लोग अपने अपने पद से इस्तीफा दे दें, उसके बाद शायद सरकार सुन लेगी। इस बात को पत्रकारों ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा से पूछा कि भाई वीरेंद्र तो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम लोग मार्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी तो कुछ दिन हुआ ही है, अभी देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है और होता है, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले आप कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का ये बयान सुनिए। नहीं, पहले तो हम लोग अभी विरोध प्रकट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, पहले तो अभी विरोध करेंगे पूरे देश में, जब नहीं करेगा फिर उसको नेक्स्ट हम लोग डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए। अभी कोई वक्त नहीं है, अभी तो हम लोग विरोध शुरू किए हैं, अभी तो इंतजार कीजिए। आखिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जनता किसी भी सांसद और विधायक को चुन के इसलिए भेजती है कि उनकी आवाज़, उनकी कठिनाई को सदन में उठाने के लिए। आप उसको सदस्यता खत्म कर दिया या क्या हुआ? ये तो जनता के साथ अन्याय है, जनता भी विरोध करेगी, इसका इंतजार कीजिए। आरजेडी के इस बयान को कैसे देखते हैं जो उन्होंने कहा है? मैं तो कहा अभी वो बहुत ही जल्दीबाजी होगी, अभी तो विरोध शुरू हुआ है, अभी मात्र 3-4 दिन हुआ, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। एक बार रिजाइने करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, चूंकि जनता ने चुन के भेजा है, उनकी आवाज़ जनता की बनने के लिए, रिजाइन इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो देखा आपने कि जो कांग्रेस विधायक है अजीत शर्मा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अभी हम लोग मार्च कर रहे हैं और आगे देखा जाएगा, अभी समय है, अभी कुछ दिन मार्च करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी और हो सकता है उससे पहले ही इस समस्या का हल निकल जाए, अभी इस तरीके की बात करना जल्दबाजी होगी, साथ ही जब समय आएगा तो देखा जाएगा कि क्या कुछ कहना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस विधायक शकील अहमद की, तो उनका भी बयान इस मामले पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो पूरा विपक्ष एक हो गया है और लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो सरकार के पास हमारे सवालों का जवाब ही नहीं है। आप शकील अहमद को भी सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे। लोग पदमूर्ति पे बैठ वहाँ से मार्च करते हुए यहाँ आए, फिर यहाँ पे हर पार्टी ने अपनी अपनी वक्तव्य रखा, फिर सदन के अंदर हम भी वेल में गए, सारे महागठबंधन के लोग वहाँ, उन्होंने अपनी बात रखी और जब अपनी बात रख रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विपक्ष के साथी थे वो चले गए। अभी भी जब उनके सवालों का जवाब हमने वो समझाना शुरू किया कि क्रोनोलॉजी हमारा भी सुन लीजिए, कब से क्या घटना हुई राहुल गांधी के प्रकरण में, फिर वो चले गए। फिर उन्होंने कुछ मुहावरे बताए थे तो हमने कहा कि आजकल मुहावरे का वक्त नहीं है, क्योंकि मुहावरे में फंस जाता आदमी, जेल हो जाएगी, हमने भी थोड़ा मजाक किया। फिर हमने कुछ फैज़ की शायरी सुनाई, फिर वो चले गए। ये तो आज का घटनाक्रम है। विपक्ष जो देश का है उसके सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सुनने की आदि नहीं है सच को, ये है दिक्कत, ये है प्रश्न आपका, ये होना चाहिए। कल क्या होगा? कल हम लोग फिर आएंगे, कल आज हम बताएंगे, कल की बात आज ही बता दें, कल की बात आज बता देंगे ना, आपको पता तो चल ही जाता है सर, हम लोग सलो रहते हैं। नीतीश कुमार को नोबेल प्राइज, उन्होंने जितना काम किया कल बताएंगे, रात को बता देंगे।
सर नोबेल पुरस्कार की मांग की है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जी जो कह रहे हैं वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग पूछा है कि नीतीश कुमार को मिले। जीतन राम मांझी ने जो कहा उसका सवाल का जवाब जीतन राम मांझी देंगे। हम ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जितना काम किया है एज ए मुख्यमंत्री और जिस स्वभाव से काम किया है, एक निस्वार्थ काम किया है, वो बहुत बड़ी बात है। तो देखा आपने कि राहुल गांधी के मामले पर जो कांग्रेस विधायक है उनका क्या कुछ कहना है, और अब एक बार फिर से जिस तरीके से लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की रद्द हुई है उसके बाद से बिहार में मार्च कांग्रेस वालों की तरफ से किया जा रहा है, इसको लेकर भी खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।